चुनावी सरगर्मियों के बीच गाजियाबाद में बुधवार को राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर भड़के। इस दौरान एक पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। साथ ही राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी जो भी आदेश उन्हें देगी वो करेंगे। इस तरह के फैसले कांग्रेस पार्टी की सीईसी बैठक में लिए जाते हैं। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस बीजेपी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन उसको बचाने में लगी है। चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी तीन बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी 24 घंटे लोगों को गुमराह करने में लगी रहती है। मुद्दों के बारे में वो बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का कहना है कि इलेक्ट्रोलर बॉन्ड का सिस्टम पारदर्शिता के लिए लाया गया था। अगर ऐसा था तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया। कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके तुरंत बाद कंपनी बीजेपी को चंदा देती है। इलेक्ट्रोलर बॉन्ड स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, पूरे देश जानता है। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम देश में हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1,00,000 रुपए देंगे। किसान सही एमएसपी और कर्ज माफी की मांग कर रहा है, इसलिए हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। इस कड़ी में हम किसानों के कर्ज भी माफ करेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे खुशी है आज हम मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूपी में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बीजेपी की हर बात झूठी निकली, ना किसान की आय दुगनी हुई, ना युवाओं को रोजगार मिला। विकास के वादे भी अधूरे हैं, इलेक्ट्रोलर बॉन्ड ने इनकी पोल खोल दी है। बीजेपी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई है। लूट और झूठ बीजेपी की पहचान बन गई है।